मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला। अब आज यहाँ पे बच्चों हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। तो हमारी जो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा के दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं, तो वो कितने प्रकार की होती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, वे संख्याएं जो दैनिक जीवन में गणना करने के काम आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये चलती रहेंगी अनंत तक। तो कोई भी चीज़ हम गणना करते हैं तो वो तो ये संख्या हम देखते हैं, प्रकृति में कोई भी चीज़ देखते हैं वो 1 की संख्या में, 2 की संख्या में, 3 की संख्या में, अनंत की संख्या में हो सकती है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं और उनमें शामिल जीरो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी कि अगर प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर कहाँ तक चल रही हैं, अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 अनंत तक चलती रहती हैं, अगर उसमें जीरो भी शामिल कर दें तो ये सब क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब आती है पूर्णांक। शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय ग्रुप, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इसमें क्या हुआ इसका मतलब? यानी जीरो है, जीरो से इधर धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक, और ऐसे ही जीरो से इधर -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक। तो जीरो के शून्य के साथ धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं, जो इस तरीके से हमने लिखा है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है पूर्णांक को समझाने के लिए, वो आपको अलग से प्रेषित की जाएगी। सम संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णता विभाजित हो जाएं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी लेकिन वो 2 से विभाजित हो रही होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे चलता रहेगा, 20, 22 ये 2 से विभाजित हो रही है। जैसे 2 से विभाजित हो रहा है, 2 एकम 2, 6 से विभाजित हो रहा है, 2 3 6, 8 से विभाजित हो रहा है, 2 4 8। ऐसे ही विषम संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे अब देखिए, 1 2 से पूर्णता विभाजित नहीं हो रहा, 3 2 से पूर्णता विभाजित नहीं हो रहा, 5 2 से पूर्णता विभाजित नहीं हो रहा, तो ये सब संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आती है, भाज्य संख्याएं। 1 के अलावा वे प्राकृतिक संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाएं, कट जाए का मतलब विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है तो 4 2 से भी विभाजित हो रहा है, 6 है 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो और अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे 8 है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से विभाजित भी हो रहा है, 9 है 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और अपने आप से भी हो रहा है। तो ऐसी संख्या क्या है? भाज्य संख्याएं, जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णता विभाजित ना हो, ना होने वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 2 से शुरू होती है, तो 2 जो है वो अपने आप से 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, 3 है वो 1 से विभाजित है और अपने आप यानी 3 से ही विभाजित है, 5 है 1 से विभाजित है और अपने आप 5 से ही विभाजित है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? जैसे 9 है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 3 से विभाजित भी हो रहा है, तो क्या आया? 11। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है और ये अनंत तक चलता रहेगा। जैसे 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद क्या आएगा? 17, 17 से क्योंकि 1 से विभाजित और अपने आप से विभाजित है, इस प्रकार से चलता रहता है। ये परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में संख्याएं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जहां P पूर्णांक है और Q डज नॉट जीरो, या Q जीरो के बराबर ना हो, बराबर ना हो, यानी Q जो है वो जीरो ना हो, P क्या हो? पूर्णांक हो सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 7 लिखा है, खाली 7, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/1, ये क्या होगा? P/Q, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। जैसे -2 है तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -2/1 लिख सकते हैं, तो P/Q हो गया, तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या। 7/5 क्या है? P/Q के रूप में हो गई, तो ये परिमेय संख्या। 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, ये भी परिमेय संख्या है। ऐसी -3/4 P/Q, ये भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं।
अपरिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, जो करणी के रूप में लिखी हुई हैं ये, तो ये सब क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसे जीरो, सात, माइनस दो, अंडर रूट थ्री, एक बटा दो, नौ बटे चार, ये सब क्या है, इसमें परिमेय संख्या भी शामिल है और अपरिमेय संख्या भी शामिल है, तो ये सब क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार से हमने संख्या पद्धति को जाना और नेक्स्ट वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बहुत विधिवत तरीके से सीखेंगे। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।